नमस्कार, लोकमत सुबह की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आइए नजर डालते हैं सुबह की अब तक की बड़ी खबरों पर। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने बैंक पर लगाया अपने ब्रांड का नाम खराब करने का आरोप। देश के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का मुख्य कर्ता धर्ता नीरव मोदी करोड़ों की चोरी के बाद अब सीना जोरी पर उतर आया है। घोटाले पर पहली बार बयान देते हुए उसने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक के मामले को सार्वजनिक कर दिए जाने से अब बात बिगड़ गई है और बैंक ने उससे बकाया वसूलने के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। इसके साथ ही मोदी का दावा है कि उसकी कंपनियों पर बकाया बैंक द्वारा बताई जा रही राशि से बेहद कम है। मोदी ने बीते 15-16 फरवरी को बैंक मैनेजमेंट को लिखे पत्र में अपने इरादों के बारे में बता दिया था। नीरव मोदी के मुताबिक उसके पास 5,000 करोड़ रुपए से भी कम का बकाया है। बैंक घोटाला मामले में ही गिरफ्तार हो सकते हैं रोटोमैक कंपनी के प्रवर्तक विक्रम कोठारी। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद बैंक क्षेत्र को एक और झटका लगा है। रोटोमैक ब्रांड नाम से कलम और पान पराग पान मसाला बनाने वाली कंपनी के प्रवर्तक विक्रम कोठारी ने कथित रूप से 7 बैंकों के साथ 3,695 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इसको देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और कानपुर में उनके परिसरों की तलाशी ली गई। ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई टीम ने कोठारी के घर पहुंचकर 12 घंटे तक जांच पड़ताल और पूछताछ की। मामले में विक्रम कोठारी की जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। जज लोया की कथित तौर पर हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि वह विशेष सीबीआई न्यायाधीश बीएच लोया की मौत के मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है और अदालत कक्ष के बाहर जो कुछ भी कहा गया उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को आश्वस्त किया कि कोई भी इस मामले में उन्हें दलील रखने से नहीं रोक सकता और शीर्ष अदालत मामले पर अत्यंत सावधानी से विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत हुई तो इस मामले की जांच के आदेश भी जारी किए जाएंगे। भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अपमान को लेकर भारत ने दी प्रतिक्रिया, कहा कि प्रोटोकॉल का हुआ पालन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के हफ्ते भर के दौरे में भारत द्वारा उचित सम्मान न मिलने की खबरों पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। 7 दिवसीय भारत दौरे पर आए ट्रूडो जब गुजरात दौरे पर गए तो पीएम नरेंद्र मोदी उनके साथ वहां नहीं गए थे। यहां तक कि एयरपोर्ट पर अगवानी के लिए भी पीएम मोदी नहीं थे। इन बातों को कैनेडियाई मीडिया ने मुद्दा बना दिया है। एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन करने वाले कनाडा के सवालों पर सरकारी सूत्रों ने सफाई दी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो से बुधवार को मुलाकात करने की पुष्टि की है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ट्रूडो की अगवानी एक राज्य मंत्री ने की थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह समझने की जरूरत है कि पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं गए थे। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के दौरान दलित छात्रों को बैठाया गया क्लासरूम से बाहर। हिमाचल के कुल्लू में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को सुनने पहुंचे दलित छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग क्लासरूम के बाहर बैठाए जाने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने छात्रों के साथ दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा की थी। इस कार्यक्रम का प्रसारण देश भर के स्कूलों में किया गया था। कुल्लू की छेस्टा ग्राम पंचायत में इसी कार्यक्रम को सुनने के दौरान दलित छात्रों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया। कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर यूनुस से की गई शिकायत के अनुसार छेस्टा गांव में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए स्कूल प्रशासन ने इंतजाम किए थे। दलित छात्रों का आरोप है कि वो भी वहां बैठकर मोदी को टीवी पर देखना और सुनना चाहते थे, लेकिन मेहर चंद नाम के टीचर ने उन्हें दूर बैठने को कहा। सुबह की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज.in के साथ।